देख सकते हैं अभी बहुत गर्मी है, अप्रॉक्स इंडिया से तो कम ही गर्मी है लेकिन काम चलने लायक गर्मी है। ये पहाड़ी इलाका है और थोड़ा सा ऊंचाई पे है, इसकी वजह से गर्मी यहाँ ज़्यादा लगता है। ये हम आए हुए हैं बिस्केक, देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है। लाइब्रेरी है यहाँ का, बिस्केक का सबसे बड़ा लाइब्रेरी, और ये भी बहुत ही शानदार बिल्डिंग्स देख सकते हैं। अभी हम लोग यहाँ से जाने वाले हैं कैफ़े, होस्ट कैफ़े है जो इंडियन डिश प्रोवाइड करता है। एक्चुअली यहाँ पे हर कैफ़े में इंडियन फूड नहीं मिलता है, लेकिन कुछ कुछ कैफ़ेस हैं जिनके अंदर इंडियन फूड प्रोवाइड किया जाता है। अभी हम होस्ट में आए हुए हैं और ये डॉक्टर शाहरुख, ये सरफराज सर जो लास्ट ईयर में है और इनका डिग्री भी मिलने वाला है, कुछ दिन में डिग्री मिलेगा और ये फिर इंडिया के लिए रवाना होंगे। ये है डॉक्टर संदीप, ये है डॉक्टर कुरैशी, ये पाकिस्तान से हैं स्पेशली। अब इसमें गलत ख्याल नहीं, पाकिस्तान में कहाँ से हैं सर? भूटान से सर, भूटान से। हम लोग जैसे सोचते हैं कि नहीं, स्पेशली हम लोग इसे सोचते हैं कि पाकिस्तानी बहुत बड़े मतलब बैड होते हैं जो न्यूज़ में दिखाया जाता है चैनलों में, रियलिटी में वैसा नहीं है। हमारे साथ यहाँ बहुत पाकिस्तानी स्टूडेंट पढ़ते हैं और बहुत ही अच्छे होते हैं। और ये डॉक्टर आरिफ हुसैन, इनका आज बर्थडे है और इन्होंने पार्टी दिया है हमें, और हम आए हुए हैं होस्ट बिस्केक किर्गिस्तान में। बहुत थैंक्स डॉक्टर आरिफ हुसैन फॉर योर पार्टी। और अभी हम लोगों ने ऑर्डर किया है, देखिए थोड़ा देर में हमारा आने वाला है, देखते हैं फिर क्या क्या आ रहा है। फाइनली खाना खा लिया लोग और सोच रहे हैं लोग कहाँ जाएं। ये देखिए हयात होटल बिस्केक का सबसे बढ़िया महंगा और खूबसूरत होटल में से है, देख सकते हैं हम लोगों ने अभी। अभी हम क्रॉसिंग क्रॉस कर रहे हैं, फिर यहाँ से किसी पार्क की तरफ जाएंगे घूमने के लिए। वाओ ब्यूटीफुल, देख सकते हैं ऑल द स्ट्रीट्स आर नीट एंड क्लीन। एक्चुअल कैसे बढ़िया बनाया गया है, सामने से देखने पर लग रहा है कि पेंटिंग है, लेकिन इसके साइड से दिखाऊं तो ये अलग अलग तरह से बनाया गया है, ऐसे एरो जैसे। पीछे से कितना बेकार लग रहा है, लेकिन सामने से अगर यही व्यू देखा जाए तो लग रहा है कि एक दूसरे पर सब ये पेंटिंग किया गया है, कलाकारी किया गया है। और ये है यहाँ का म्यूजियम बिस्केक का, जो सबसे खूबसूरत म्यूजियम है। ये है बाग यहाँ का, मोस्टली यहाँ पे वैसे तो इनकी स्मेल मतलब ठीक ठाक है, आ जाती है, लेकिन फिर भी खूबसूरती के लिए बहुत अच्छा लगा रखे इन्होंने। चलो मैं आपको बैकग्राउंड दिखाता हूँ, सी देख रहे हैं आप, देखो बिग पिलर्स, ऐसा लगता है कि ये म्यूजियम है, हमें भी नहीं पता एक्चुअली क्या है। हाँ बट लेकिन बहुत खूबसूरत है। फ्रेंड्स 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 फॉरएवर, लाइफ में फ्रेंड्स होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अच्छे फ्रेंड्स होना मतलब। कुछ भी हो लेकिन कंट्री बहुत अच्छी है, छोटी कंट्री है, शांत कंट्री। पार्क कितना खूबसूरत है और बहुत ही नीट एंड क्लीन टाइप का है,
यहाँ का एक खास बात है कि यहाँ के लोग सर सफाई भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं मेन पार्क के तरफ जहाँ पे झूला वगैरह और कुछ प्रोवाइडेड है वहाँ पे। ये देखिए ये झूले हैं और ये आए, ओ भाई कितना खतरनाक है, हालत खराब है, उल्टा कर दिया जा रहा है। देखने में जितना आसान है उतना रियली में है नहीं। ये हमारे दोस्त इस पे गए हैं और ये डांस चालू झूले का। आप देखिए ये गोल गोल घुमाते हुए ऊपर नीचे करेगा, अभी इनकी हालत खराब होने वाली है। फाइनली पार्क घूम चुके हैं, कुछ भी नहीं किया, पैसे ही नहीं थे, लेकिन हमने तो किया दो राइड। जो किए हैं वीडियो डालूंगा उसमें समझ लगा कितनी इनकी हालत ख़राब हुई है। और हम यहाँ से अभी पार्क से बाहर निकलते हुए देखते हैं। अब भाई इस पार्क में कुछ नहीं है, मैं नहीं आने वाला इस पार्क में, पैसा वेस्ट है झूठ फूट में। अभी हम लोग पार्क से निकले हुए हैं और जा रहे हैं सीधे दूसरे की तरफ, देखें बिग स्केक में और क्या क्या जगह है जो हम घूम सकें। ये एरिया बहुत ही मतलब प्रोटेक्टिव टाइप का है, यहाँ प्रेसिडेंट हाउस, व्हाइट हाउस है जहाँ पे किर्गिस्तान का प्रेसिडेंट यहीं पे रहते हैं। ऐसे तो यहाँ कोई भी सुरक्षा वगैरह नहीं है जिससे कोई मना किया जा सके कि यहाँ ऐसे कहा जा सके, जैसे हम लोग इंडिया में देखते हैं अगर कोई MLA मंत्री का अगर घर हो उसका तो वहाँ पे देखते होंगे बहुत सारा सिक्योरिटी होता है, उस एरिया में जाना मना होता है। लेकिन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कोई भी सिक्योरिटी नहीं है, यहाँ पे देख सकते हैं कितना हाई फाई एरिया है लेकिन फिर भी कोई सिक्योरिटी नहीं है। वैसे तो ये पता नहीं है मुझे कि क्या है, लेकिन इतना पता है कि जो भी है बहुत ही मतलब क्या है, ये पार्लियामेंट का ही कोई पार्ट होगा, किसी मंत्री वगैरह का घर होगा। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, देख सकते हैं आप लोग, कोई भी यहाँ सिक्योरिटी नहीं है, कोई भी पुलिस वाला नहीं है, टूरिस्ट हो चाहे लोकल हो फ्रीली घूम सकता है, इस एरिया से जा सकता है। और यहाँ पे इसके जस्ट पीछे जो वाइट कलर का दिख रहा है व्हाइट हाउस है, अभी दिखेगा आपको, हाँ ये रहा व्हाइट हाउस जहाँ प्रेसिडेंट रहते हैं। यहाँ पे ये देख सकते हैं कितनी सर सफाई है, इतनी ज़्यादा मतलब ये रखते हैं सर सफाई जिसका हद हिसाब नहीं है। वैसे तो हमारे इंडिया में भी होना चाहिए ऐसा सर सफाई, सर सफाई बहुत ज़रूरी चीज़ है, इससे नीट एंड क्लीन आपको दिखेगा, खूबसूरती दिखेगा, एक अच्छा लुक आएगा। हेलो, फाइनली हम बिश्केक से कांत आ चुके हैं और सफ़र बहुत थका हुआ था, ठीक ठाक रहा, सीट नहीं मिली बस में, लेकिन इनको सीट मिल गई, पर ये बहुत गलत बात है, उन्होंने एक भी बार नहीं पूछा कि यार चलो बैठ जा भाई। तो देखिए ये है कनकई और थोड़ा सा आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ का सीन, ये देखिए है ना प्यारा,
चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में. थैंक यू, बाय बाय. अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल. लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर करें. कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा. थैंक यू.